सब्सक्राइब कीजिए ज्वेलिया किचन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो को एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड चिकन। काफ़ी दफ़ा ये रेसिपी मैंने घर पर ट्राई की है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी रेसिपी। तो आप वीडियो को फुल देखिएगा। मेरे पास है तकरीबन 6 लेग पीस है, इनको मैंने कट कर दिया है ताकि जो भी मैं मैरिनेशन तैयार करूँगी अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। तो एक बाउल लेंगे, इसके अंदर एक गिलास मेरे पास दूध है, ये शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने बटर मिल्क तैयार करना है, तो दूध के अंदर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका डालूंगी। सिरका डालने के बाद 5 मिनट हम इसको छोड़ेंगे ताकि ये अच्छा सा बटर मिल्क तैयार हो जाए। तो ये देखें, तकरीबन 5 मिनट के बाद बहुत अच्छा सा ये बटर मिल्क तैयार हो गया है, ये देखें। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1.5 टीस्पून, मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है, ये शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून मेरे पास अदरक का पाउडर है और 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पाउडर लिया है। इनकी जगह आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम चिकन के पीसेस को डिप कर देंगे और अच्छा सा ये इनको हम कोट कर देंगे। और कोट करने के बाद तकरीबन इसको कम से कम आपने 3 घंटे लाजमी रखना है, और ज़्यादा अगर आपके पास टाइम हो तो ये ज़्यादा बेस्ट है। ओवरनाइट आप छोड़ दें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत जूसी और ज़बरदस्त ये चिकन फ्राइड तैयार होंगे। तो आप इनको काफ़ी देर के लिए मैरिनेट करें जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मैं इनको तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी फ्रिज में, और बाहर नहीं छोड़ना, फ्रिज के अंदर आपने इसको रखना है। अब मेरे पास है एक अंडा और 1/2 कप दूध, तो ये मैं एक बाउल में डालूंगी दोनों चीज़ें, और थोड़ा सा इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे और एक साइड पे कर देंगे। ड्राई मिक्सचर के लिए मेरे पास है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है, लहसुन का पाउडर, 1/2 कप मेरे पास चावल का आटा है, 1/2 कप मैंने मैदा लिया है और 1/2 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। एक बाउल के अंदर मैं चावल का आटा ऐड करूँगी, मैदा और कॉर्नफ्लोर, इससे बहुत अच्छी कोटिंग हो जाती है, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च और लहसुन का पाउडर। तो ये तमाम चीज़ें मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से, ये तमाम चीज़ें मिक्स कर लें और एक साइड पे कर देंगे अब हम इसको। मेरी चिकन को तकरीबन 7 से 8 घंटे गुजर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो चुकी है। इसको मैं इस तरीके से मिक्स करूंगी अच्छा सा, और अब मैं एक एक पीस उठाऊंगी और जो ड्राई मिक्सचर हमने तैयार किया था इसमें हम कोट करेंगे अच्छा सा, और इसके बाद में अंडे और दूध वाले मिक्सचर में मैं इसको डालूंगी और दोबारा से मैं इसको ड्राई मिक्सचर में कोट करूंगी। इस तरह करने से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी इसका लुक आता है, और अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर कोट करें और एक साइड पे आप प्लेट में रखते जाएं। बाकी भी मैं इसी तरह कर लूँगी। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, अब हम एक एक करके लेग पीस इसके अंदर डालेंगे।
थोड़ी देर के लिए इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे, चम्मच नहीं मिलाएंगे। हम इसको स्लो आंच पर ही फ्राई करेंगे, तकरीबन एक साइड को तकरीबन 3 मिनट कम से कम हम इनको फ्राई होने के लिए रखेंगे और फिर दूसरी साइड चेंज करेंगे और 3 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे। एक साइड से जब आपको महसूस हो कि हो चुके हैं तो आप एक साइड चेंज करें और तकरीबन 3 मिनट हम दूसरी साइड से पकाएंगे। लेग पीस दोनों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बस आप देखेंगे ये इनको मैं निकालूंगी। दोनों साइडों से बहुत अच्छे से लेग पीस रेडी हो चुके हैं, बस अब मैं इनको निकालूंगी। अब मैं गार्लिक सॉस बना लेती हूँ। तो एक बाउल के अंदर मैं 1 कप तकरीबन हाफ कप मेरे पास दही है ये डालूंगी और तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मायोनेस का ले लें आप, ये डाल दें। हाफ कप मेरे पास लहसुन का पाउडर है ये डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए गार्लिक सॉस हमारा रेडी है। तो लीजिए ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राइड हमारे पास तैयार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।